बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि तकरीबन लड़के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कमीशन के टेस्ट में इस वजह से फेल हो जाते हैं कि उनकी एकेडमिक की अच्छी तरह से तैयारी नहीं हो पाती, और तकरीबन 50-60% सिर्फ इसी वजह से फेल हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको फिजिक्स के कुछ MCQ इंपॉर्टेंट MCQ आपको बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार कोई भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लाइट रीच्स ऑन अर्थ फ्रॉम सन थ्रू, यानी जो लाइट है वो अर्थ, जो लाइट है वो सन से लेकर अर्थ तक जब पहुंचती है वो किस कंडीशन में, किस सूरत में पहुंचती है? आंसर है बी, रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 2, द रे फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ मिरर पासिस थ्रू, अब इसका आंसर है सी, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 3, द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय, यानी बॉडी की जो डेंसिटी है कब इंक्रीज होती है, उसकी किस तरह से इंक्रीज होती है? अब थर्ड का आंसर है ए, इंक्रीजिंग इट्स मास। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड बिटवीन कन्वेक्स मिरर एंड इट्स फोकस पॉइंट देन इट्स इमेज विल बी, अब तब उसका इमेज क्या बनेगा? इसका आंसर है ए, रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ वी डू बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी देन इट इज़ डैश इक्विलिब्रियम, अब 5 का जो आंसर होगा डी, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 6, दी रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड, जैसा कि हम जानते हैं कि द रेशियो ऑफ आउटपुट इन आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट इज कॉल्ड एफिशंसी, तो 6 का आंसर है बी, एफिशंसी। क्वेश्चन नंबर 7, बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस फोर्सेस, चार्ज फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, अब 7th का आंसर होगा बी, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 8, इन पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस, इन पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस, अब नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हम यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इक्वल टू सम ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी इन पैरेलल सर्किट द रेजिस्टेंस किस चीज़ के बराबर होगा, इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ बॉडी इन अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर है डी, डिक्रीज इन स्पीड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ बॉडी गोज अप विथ 2 ग्राम एक्सेलरेशन, 2 ग्राम एक्सेलरेशन दी, अब इसका करेक्ट आंसर है डी, डबल द लेंथ ऑफ बॉडी। क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉडी मूविंग इन कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर है सी, ओवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स, सॉरी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी जब बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो हालांकि वो जो मुफासल तय करेगा वो भी इक्वल मान डिस्टेंस होगा इक्वल टाइम में। क्वेश्चन नंबर 12, बीटा रेज कंसिस्ट ऑफ, यानी बीटा रेज किस चीज़ का क्या कंसिस्ट करती हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डी, पॉजिटिवली चार्ज इन वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन, अब इसका आंसर है सी, लेस देन क्रिटिकल एंगल। क्वेश्चन नंबर 14, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट डिपेंड्स अपॉन, आंसर है इसका डी, बोथ ए एंड बी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल एंड द लेंथ ऑफ कॉयल, यानी दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम डैश इट मीट्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड्स, 15 का आंसर है सी, यानी 44.1, यानी जब हाइट्स माना इफ़ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम, इतने हाइट्स जब माना ड्रॉप किया जाएगा तो 3 सेकेंड तक ग्राउंड तक पहुँच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वैन बसेस सडनली स्टॉप, यानी वैन बस सडनली स्टॉप्स ड्यू टू डैश मैन रिसीव्स एन इम्पल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, 16 का आंसर है डी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी हर एक्शन का रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इन एनी सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, इसका आंसर है सी, पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 18, द रेनबो इज़ अ रिजल्ट ऑफ, यानी रेनबो जब रेनफॉल होता है तो तब एक रेनबो किस नज़र आता है हमें, वो किस चीज़ का रिजल्ट है, किस वजह से बनता है, अब इसका आंसर है ए, रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन टू प्लैनेट्स डैश देन ग्रेविटेशन बिकम्स ग्रेटर, 19 का आंसर है डी,
मूव माना क्लोजर, जब दो प्लैनेट एक दूसरे के बिल्कुल करीब आते हैं तब उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, द वर्क ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डैश। 20 का आंसर है सी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। द वर्क ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, जो असल वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन यूनिट मास अप टू 1 सेंटीग्रेड इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा 21 का आंसर है ए, स्पेसिफिक हीट। यानी जब भी किसी के बॉडी की जो माना टेम्परेचर है 1 सेंटीग्रेड राइज होता है उस हीट को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज क्या होता है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन से, ये MCQ पूरा कंप्लीट नहीं है, ये रोलिंग फ्रिक्शन से कम होता है यानी लेस देन। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23, द पिच डिपेंड्स अपॉन, यानी पिच किस चीज़ पे डिपेंड करती है। इसका आंसर है सी, फ्रीक्वेंसी। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसकी पिच भी उतनी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑन डैश जंक्शन, ये ट्रांजिस्टर कौन से जंक्शन पे डिपेंड करता है। इसका आंसर है डी, यानी बोथ ए एंड बी। ए क्या है, NPN, एंड बी जो है रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 25, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी चेंज, यानी किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कब चेंज होती है, किस वजह से चेंज होती है। अब इसका आंसर है बी, डायरेक्टली विथ बोथ मास एंड हाइट, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसी भी बॉडी है वो मास और हाइट दोनों के साथ चेंज होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।